आदर नमस्कार, मैं सदर सखी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच में जुबानी जंग जो है जारी है। चुनाव में मंगलसूत्र को लेकर नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए बलिदान हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, लोगों के जीवन में संघर्ष अधिक है। ऐसे में कांग्रेस गारंटी देती है कि गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ रही है। प्रधानमंत्री के कुछ खास दोस्त हैं जिनके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि 60 साल तक एक ही परिवार ने खुद या रिमोट से सरकार चलाई है। इस दौरान कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा कि मेरी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हो गया। सच्चाई यह है कि बीजेपी के लोग महिलाओं के संघर्ष को समझ नहीं पा रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसे आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहती है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या किसी ने आपका सोना मंगलसूत्र छीना है? युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने देश को अपना सोना दिया था। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हो गया। सच्चाई यह है कि बीजेपी के लोग महिलाओं के संघर्ष को समझ नहीं सकते। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के दिल में जो भेदभाव होता है वो सेवा भाव हमारे देश की सारी परंपराओं का आधार है। जब तक परिवार में सभी लोग सो नहीं जाते, महिलाओं को नींद नहीं आती, और जब परिवार में कोई परेशान होता है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रख देती हैं। महिलाएं दूसरों को खाली पेट सोने नहीं देती है, इसकी बजाय भूखी सोना पसंद करेंगे। जब किसान कर्ज में डूब जाता है तो उनकी पत्नी अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती है। जब परिवार में बेटी की शादी होती है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रख देती हैं। ये हमारे देश की महिलाओं की मानसिकता है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि कांग्रेस की योजना लोगों की गड़ी कमाई और संपत्ति घुसपैठियों तथा ज्यादा बच्चे करने वाले लोगों को देने की है। ये अरवन नक्सलवादी सोच है। उन्होंने कहा कि मेरी माता बहनों, ये आपका मंगलसूत्र बचने नहीं देगा। इस हद तक चले गए कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मोदी दफ्तरी में रैली की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वही कांग्रेस को देश को बांटने वाली पार्टी बताया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुद को भगवान श्री राम से बड़ा मानती है। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद पहले दिन से ही तुष्टिकरण में लगी हुई है। ये कांग्रेस की डीएनए में है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनना पड़े तो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। भाई संजय राउत ने कहा कि निराशाजनक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वरिष्ठ नेता ऐसी टिप्पणी करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने यह दावा किया है कि उन्होंने मंगलसूत्र तक के बारे में बात की, इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से हताश है और ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की आशंका उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।